नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का जिक्र जब भी आता है, भैया आप कैसे भूल सकते हैं 2011 विश्व कप, 2007 वर्ल्ड टी20 और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट में स्पेशली व्हाइट बॉल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे। युवराज सिंह ने बीते साल जून के महीने में अपने संन्यास का ऐलान किया जब उनको 2019 विश्व कप की टीम में नहीं चुना गया। हालांकि युवराज ने उसके बाद कई खुलासे किए कि सिलेक्टर्स ने उनके साथ धोखा किया, टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें बता दिया था कि चयनकर्ता उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो इस चीज की उम्मीद ना रखें। लेकिन कहीं ना कहीं युवराज सिंह को लेकर अब एक ऐसी अपडेट सामने आई है जो युवराज के फैंस के लिए काफी खुशी दे सकती है। बताया जा रहा है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से युवराज को ऑफर आया है, पंजाब की रणजी टीम की तरफ से युवराज को ऑफर आया है कि वो संन्यास वापस लें और युवा खिलाड़ियों के साथ बतौर मेंटोर जुड़े या फिर बतौर खिलाड़ी जुड़े ताकि वो प्रेरित कर सके। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में पंजाब की तरफ से कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं आया। हालांकि शुभमन गिल काफी प्रॉमिसिंग है, अनमोलप्रीत सिंह काफी प्रॉमिसिंग है और इन खिलाड़ियों ने बताया भी है कि इनमें दमखम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े मेंटोर की आपको जरूरत होती है। युवराज सिंह शायद उसके लिए सबसे परफेक्ट है। हालांकि युवराज के लिए इतना आसान नहीं है संन्यास के बाद वापसी कर पाना, उतनी ज्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिलहाल कोविड के सिनेरियो को देखते हुए अगर हम समझें तो लंबे समय से भारतीय खिलाड़ियों की भी प्रैक्टिस नहीं है। इस वजह से अगर युवराज सिंह वापसी करते हैं तो क्या फिर उनकी नजर अगले साल टी20 वर्ल्ड कप पर होगी, और अगर टी20 वर्ल्ड कप पर होगी तो फिर क्या वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ वापसी करेंगे, क्योंकि धोनी भी यहां पर टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए आईपीएल इस बार खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये आईपीएल के 14 मैच धोनी के लिए तो डिसाइडेड हो जाएंगे कि उनको अपने करियर को लेकर आगे क्या फैसला करना है। लेकिन युवराज सिंह के लिए जो ये खबर आई है ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए अगर अपनी ओपिनियन अगर हम रखें या फिर मुझे ऐसा लगता है अब तक मैंने जितना युवराज को कवर किया है उस लिहाज से अगर हम देखें तो यहां पर युवराज सिंह की 2019 विश्व कप में जगह बनती थी। शायद युवराज सिंह का ना होना ही भारतीय टीम को भारी पड़ा और कहीं ना कहीं नंबर 4 का गणित भारत सुलझा नहीं पाई। हालांकि भले श्रेयस अय्यर जो है थोड़े से प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना कि मंजिल बहुत दूर है और जब तक हम एक बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे हमारी टीम की स्टेबिलिटी का हमें पता नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं युवराज की वापसी अगर होती है क्या बड़ा फैसला होगा, कयास लगाए जाएंगे, ये सभी चीजें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।